नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर है। वनपुलपुरा हिंसाकांड के 9 फरार आरोपी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। सादकी मलिक का बेटा मोहित भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने सभी फरार 9 आरोपियों की मोस्ट वांटेड पोस्टर लिस्ट के साथ लिस्ट जारी की है और इनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इन सभी की प्रमुख भूमिका रही है और पुलिस भी इनको तलाश कर रही है। से आज की सबसे बड़ी खबर और खबर का कारण है ये मेरे हाथ में जो पोस्टर मौजूद है मोस्ट वांटेड, यानी ये जो वांटेड शख्स है ये है बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक। और इस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो लगातार अब्दुल मलिक समेत जो 9 फरार आरोपी हैं जिसमें उसका बेटा अब्दुल मोहित भी शामिल है, इस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं हल्द्वानी में और इसके बाद उत्तराखंड के जितने थाने हैं वहां पर ये सब पोस्टर्स लगाए जाएंगे। यहाँ ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं ये इस तरीके से पोस्टर चिपकाने में लगे हुए हैं क्योंकि अब्दुल मलिक लगातार घटना के बाद से ही फरार चल रहा है और फरार चलने के बाद सबसे पहले उसका जो नोटिस सर्व हुआ कोर्ट की तरफ से और उसके बाद उसके कुर्की के नोटिस सर्व हुए हैं और अब कुर्की भी शुरू हो चुकी है और इस तरीके से जगह जगह जो शहर का एक नामी व्यवसायी होता था 8 से 10 दिन पहले तक वो आज इस तरीके से शहर के थानों की दीवारों पर उसका पोस्टर चिपका हुआ है और तलाश है इस शख्स की, इसके साथ 9 लोगों की। अगर ये शख्स आपके भी घर के आसपास कहीं मौजूद है तो बताइए पुलिस को कि आखिर ये शख्स कहाँ मौजूद है और बनभूलपुरा कांड के इस मुख्य मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उत्तराखंड पुलिस की मदद कीजिए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने पुलिस की टीम उसके घर पहुंची है। अब्दुल मलिक अरबों की संपत्ति का मालिक है। मलिक कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ ही ट्रांसपोर्ट और खनन का भी बड़ा कारोबारी है। मलिक समेत फरार सभी 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है। इन फरार 9 आरोपियों में मलिक का बेटा अब्दुल मोहित और पार्षद शकील अंसारी का नाम भी शामिल है। तो 9 फरार आरोपी जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए, कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुड़की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूंकि ये लोग सभी वांछित है अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। हल्द्वानी के कर्फ्यू के वाले बनभूलपुरा थाना इलाके में 9वें दिन यानी कि आज बड़ी राहत दी गई। कुछ इलाकों में 3 और कुछ जगहों पर 8 घंटे की राहत दी गई है। गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, उजाला नगर, किधवई नगर, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मलिक के बगीचे में 3 घंटे की राहत दी गई है। जबकि आरएफसी कैंपस, गोजाजाली और रेलवे बाजार में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 8 घंटे की राहत दी गई है। वहीं शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज की परमिशन भी नहीं दी गई। धारा 144 लागू होने के चलते नमाज की परमिशन नहीं दी गई। हल्द्वानी में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्फ्यू में ढील के दौरान हालात वहाँ पर सामान्य हो रहे हैं। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लाइन नंबर किधवई नगर, गफूर बस्ती, तमाम इलाकों में हालात पूरी तरह से अब सामान्य हैं और 3 घंटे की ढील वहाँ पर दी गई। अब बात करते हैं उपनल कर्मचारियों के आंदोलन की। तो एक दिन पहले धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी लेकिन दूसरे दिन मान लिया कि गलती हुई थी। बीजेपी ने इसे उकसावे में दिया बयान बताया है। तो धर्म छोड़ पक्की नौकरी पर कर्मचारियों को पूर्व सीएम हरीश रावत का साथ जरूर मिला। तो हमने निर्णय लिया है सब 25,000 कर्मचारियों ने कि हम कल अपना पूरा परिवार के साथ धर्म परिवर्तन करना जा रहे हैं। हम इस राम राज्य में नहीं रहना चाहते। धर्म परिवर्तन की धमकी देकर उपनल कर्मचारियों ने दबाव बनाने की कोशिश की। दबाव ये कि सरकार
25,000 उपनल कर्मचारियों को पक्की नौकरी दे दे, जिसका आदेश सैनिक कल्याण विभाग को हाईकोर्ट से मिला है। शुक्रवार को नाराज कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया और मंत्री गणेश जोशी के घर को घेरने की तैयारी भी, लेकिन न धर्म परिवर्तन हुआ और न कोई बात सुनने आया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन की बात कर्मचारी उकसावे में आकर कह रहे हैं, जबकि सरकार से बात करके मसला सुलझाया जा सकता है। बयान तो गलत, हमें भी लग रहा है गलत बयान था, पर जो हम राम राज्य में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फायदा क्या फिर उस राम राज्य का। आज सरकार कह रही कि राम राज्य आ गया, मुझे तो लगता नहीं कि राम राज्य आएगा। पर्जा नीचे जहाँ घाट हुआ करता था आपको पता है एक तबियार, वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करें, आज रोड पे मात्र शक्ति हमारे रोड पे है, सारा सिस्टम रोड पे है, तो राम राज्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता कि राम राज्य आ गया। मेरे हिसाब से तो कोई राम राज्य नहीं है। थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। समय के साथ वेतन वृद्धि भी हुई है, हर बार होती भी है, चिकित्सा भत्ते भी मिल रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं देने के बाद अगर इस प्रकार की स्थितियाँ निर्माण होती है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी की सह पर ये हो रहा है। आखिर लोकसभा से पहले इस प्रकार वातावरण मैसेज करके मुझे लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते हैं। नौकरी की लड़ाई में धर्म की बात आई तो सियासत भी गरमाई। भगवान शिव के नाम के साथ मौन व्रत करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस लड़ाई में कूद गए। 25,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग की। 12 फरवरी से उपनल कर्मचारी सड़क पर हैं, अस्पतालों से लेकर अलग अलग ऑफिस में काम अटक रहा है तो पक्की नौकरी के लिए कर्मचारी धर्म बदलने तक की खुलेआम धमकी सरकार को दे रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द सीबीआई घोटाले के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर सकती है और अब तक करीब 16 अफसर और कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। इतना ही नहीं, खबर है कि नैनीताल और उत्तरकाशी जिले के अलावा दूसरे जिलों में भी घोटाला हुआ है। उद्यान घोटाले की पहले एसआईटी जांच हुई थी, इसमें करीब 10 अफसर कर्मचारियों के नाम सामने आए थे, लेकिन अब ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और खास बात यह है कि सभी अफसर कर्मचारी अभी भी विभाग में कामकाज संभाल रहे हैं। सूत्रों के सीबीआई अब तक 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है और जल्द एक और राउंड की पूछताछ हो सकती है, इसके बाद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। वहीं आरोपी डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा हिमाचल प्रदेश में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। 17 और 18 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी। पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के 250 से ज्यादा नेता मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसमें संगठन से जुड़े कार्यक्रम की रिपोर्ट से लेकर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड में देश की पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसकी घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए ऋषिकेश एम्स में हर समय एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा और 150 किलोमीटर एरिया में होने वाली घटनाओं में घायलों का रेस्क्यू करेगा। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का आधा खर्च केंद्र और आधा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाली यह सर्विस निःशुल्क होगी। पहली हेम सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही चार धाम यात्रा की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विभागों से पिछले यात्रा अनुभवों से सीख लेते हुए तैयारियां करने को कहा है। चार धाम यात्रा इस साल मई से शुरू हो जाएगी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे।
पिछले कुछ सालों में सुविधाओं का विस्तार होने से चार धाम यात्रा में जिस तेजी के साथ यात्रियों की तादाद बढ़ रही है, उसे देखते हुए सरकार ने इस बार अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले साल 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए, जिसमें पिछले साल केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 19,61,000 थी, जबकि बद्रीनाथ में 18,39,000 भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं गंगोत्री में 9,05,000 और यमुनोत्री में 7,35,000 भक्तों ने दर्शन किए। इस साल सरकार का अनुमान है कि चार धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 75 लाख को पार कर सकता है। हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं। इस दौरान सबसे अधिक चुनौती सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रहती है। चार धाम यात्रा रूट पर टिहरी से लेकर उत्तरकाशी और ऋषिकेश से लेकर चमोली तक डेंजर जोन की पहचान कर सड़कों को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस बार हर 20 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में 50-50 बेड के हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब इस बार बद्रीनाथ में 50 बेड का हॉस्पिटल हम रन करने जा रहे हैं, वो बनके तैयार हो गया है। केदारनाथ में भी इस बार हम हॉस्पिटल रन करने जा रहे हैं, वो भी बनके तैयार हो गया है। और ऐसे चार धाम यात्रा में हम 5 जगह उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं। जहाँ पर पिछली चार धाम यात्राओं में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, वहाँ पर हमने सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। कुछ जगह अभी भी कार्य शेष है, लेकिन हमने टारगेट ये दिया है कि फरवरी अंत तक सभी जगह, अगर मलबा हटाना है, कहीं साइनेज लगाने हैं या फिर रोड की क्वालिटी ठीक करनी है, उसको कर लिया जाए। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो जाएगी, जो चार धाम यात्रियों के लिए संकट काल में एक बड़ी मददगार हो सकती है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ सुनील ना प्रभात, न्यूज 18। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए 967 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिली है। राज्य की 108 सड़कों पर यह पैसा खर्च होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीसरे फेज का काम होगा। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर इसका आभार जताया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। पौड़ी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स, भोजन माता समेत 11 संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। चमोली में 22 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स, भोजन माताओं के साथ कई संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया और मानदेय बढ़ाने की मांग की। टिहरी में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर सुमन पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही। नैनीताल में भी आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी। पिथौरागढ़ में भी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर लंबे समय से मानदेय बढ़ाने को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। नैनीताल में बीएसएनएल कर्मचारियों ने धरना दिया। जिला मुख्यालय में अपनी भिन्न सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार हर ब्लॉक में आदर्श ओपन जिम खोलने की तैयारी में है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग को इसके लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। जोशीमठ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, गाइडलाइन के अनुसार सभी काम किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के ट्रीटमेंट को लेकर बजट स्वीकृत कर दिया है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने उनकी भूमि जो सेना के पास गई है उसका मुआवजा और किराया भुगतान करने की मांग की है। कोटद्वार में आपदा में टूटे मालन पुल की मरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पुल की टेंडरिंग का काम शुरू हो चुका है। जुड़की के झबरेड़ा में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है और हरिद्वार पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर एक महिला और उसके बेटे की प्रॉपर्टी के लालच में हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने लड़के का शव बरामद कर लिया है, जबकि महिला के शव की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम छुन्ना सिंह है और वो हरिद्वार में एपी का एक
एडिशनल एसआई की पोस्ट में, हेड कांस्टेबल की पोस्ट में तैनात है, वो इस महिला ममता के संपर्क में था और उसके द्वारा ही ये सारा घटनाक्रम, इसकी हत्या की जो पूरी भी साजिश है उसके द्वारा रची गई। इसमें जो ममता है इसका इसने गला घोट के और नरेंद्र का गला घोट के इनको अलग अलग जगह पर इनको डंप किया। नरेंद्र की डेड बॉडी अभी मिली है, ममता की डेड बॉडी को हम लोग अभी खोज रहे हैं। बागेश्वर के रीमा क्षेत्र के जारती गांव में जंगली सुअर का आतंक है। यहां आंगन में धूप सेक रही एक बुजुर्ग महिला पर सुअर ने हमला कर दिया। वहीं सुअर के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं आनन फानन में गांव के लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक होने की वजह से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। चमोली में तपोवन एनटीपीसी बैराज साइड क्षेत्र में सुबह सुबह गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर मोबाइल फोन में स्थानीय लोगों ने कैद कर ली। तपोवन क्षेत्र में गुलदार दिखाने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने जंगल जाने वाली सभी महिलाओं को सतर्क रहने के लिए कहा है, साथ ही क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। एजुकेशन सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए भले ही लाख दावे हों, लेकिन ये दावे हकीकत में कहीं नजर नहीं आते हैं। हालात ये हैं कि पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में कई स्कूल बंद हो गए हैं। पहाड़ों में स्कूली शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कहीं टीचर्स नहीं होने से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, तो कहीं छात्रों की कमी से स्कूलों में ताला लटक गया है। पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में 158 प्राइमरी और 25 उच्च प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। कहने को तो ये स्कूल छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए, लेकिन छात्रों की शून्य होती संख्या भी सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है। जिले में 183 स्कूलों के बंद होने के बाद अभी भी कई स्कूलों पर बंदी के संकट मंडरा रहे हैं। विगत 3 वर्षों में पिथौरागढ़ जनपद में 158 प्राथमिक विद्यालय और 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक धारचूला मुनस्यारी के विकास खंडों के विद्यालय हैं। असल में यहाँ 120 ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर के हवाले हैं। यही नहीं, सिंगल स्टूडेंट्स वाले 445 प्राथमिक और 20 जूनियर हाई स्कूल हैं। इसके अलावा 28 प्राथमिक और 2 जूनियर हाई स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। जानकारों की माने तो शून्य छात्र संख्या की सबसे बड़ी वजह टीचर्स की कमी है, और टीचर्स की कमी के कारण अभिभावक स्टूडेंट्स को उन स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं जहां सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मौजूद हैं। व्यापक हमारे शिक्षकों की भर्ती की जाए, अगर शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर विद्यालयों में हो जाए तो गार्जियन भी जो कहता है कि एक शिक्षक है हम नहीं भेजते हैं, 2 शिक्षक हैं, बच्चे कहीं कहीं पर तो 80-90-100 भी हैं हमारे विद्यालयों में। बेहतर शिक्षा की चाह में बॉर्डर जिले में पलायन भी बढ़ा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट माने तो यहाँ 41% पलायन हो चुका है। 2019 में पिथौरागढ़ में 1600 गांव आबाद थे, लेकिन बीते 4 सालों में ये आंकड़ा 1542 पर आ गया। ऐसे में तय है कि अगर स्कूली एजुकेशन का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पलायन की रफ्तार बढ़ेगी और स्कूलों में ताले लटकने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दून यूनिवर्सिटी में खेल खेल के दौरान केमिस्ट्री का ज्ञान सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया गया। टिहरी जिले के 43 सरकारी स्कूल के बच्चे पिछले 3 दिन से केमिस्ट्री कैंप का हिस्सा बने। भविष्य में बच्चे रसायन विज्ञान को विषय के तौर पर चुने और आगे रिसर्च की फील्ड में जाएं, इसी मकसद के साथ दून यूनिवर्सिटी में यूसुफ हेमेड केमिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को केमिकल के अलग अलग इस्तेमाल को करना बताया गया। आप देखिएगा कि केमिस्ट्री में अगर ये कमाल कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर जिजीविषा होती है, लालसा होती है, ड्राइव होती है, पकड़ने की बात होती है। हम लोग इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। रामनगर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव का आगाज हो गया। यहां पहले दिन अरुणाचल के नाटक तानी लातायो का मंचन किया गया, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले भारत रंग महोत्सव का दीप जलाकर शुभारंभ किया। कॉर्बेट की सरजमी पर पहले दिन ही बाघों के संरक्षण के संदेश के साथ ही तानी लातायो नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बाघ को इंसान के बड़े भाई के रूप में दिखाया गया है।
वरिष्ठ नाट्य विद्यालय NST के अंतर्गत आयोजित भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 यह आयोजित हो रहा है। इसका आज ओपनिंग हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे यहां पर ये पूरा जो है थिएटर टाउन है, तो यहां काफ़ी रंगकर्मी हैं, तो निश्चित रूप में उनको अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा और यहां पर जो है हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टाइगर जो है अभी एक्सटिंक हो रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अरुणाचल के खासकर पूर्वज टाइगर को हमारा भरा भाई मानते हैं, हमारा भाई मानते हैं, तो टाइगर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। उस कल्चर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आज भी टाइगर को अपना भरा भाई मानते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ये चाह रहा था कि ये नाटक, ये जो कहानी है, यहाँ तक पहुँचे और टाइगर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में ये मदद करें। थैंक यू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं पहाड़ की 10 और बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विकासनगर के सरकारी अस्पताल में संविदा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है। अल्मोड़ा गांधी पार्क में सभी विभागों के उपनल कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर है। चकराता में वीर शहीद केसरी चंद डिग्री कॉलेज डाकपत्थर के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। टिहरी जिला प्रशासन इन दिनों चारधाम रूटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। 2024 की चारधाम यात्रा के लिए BKTC और यात्रा प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पौड़ी के ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन कलेक्ट्रेट परिसर को अब हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर सवारा जा रहा है। रामनगर के जूना खान में चौथी राज्य स्तरीय ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। लॉन टेनिस की प्रतियोगिता 18 फरवरी तक चलेगी। बागेश्वर में फायर सीजन को लेकर वन विभाग की पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से जंगलों में नमी नहीं है। देहरादून में गृह सचिव शैलेश बगोली ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस की समस्याओं और सचिवालय में पुलिस के लटके मामलों को लेकर अधिकारियों ने सचिव गृह के सामने तमाम बातों को रखा।